नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम्स एंड अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने एपी सीरीज को ऐसे लिखा था, A1, A2, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड देन फोर्थ टर्म, सो ऑन nth। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें तो ये हमारे पास क्या था, ये फर्स्ट टर्म थी, ये फर्स्ट प्लस कॉमन डिफरेंस, डी हमारा क्या कहलाता था, कॉमन डिफरेंस। सो ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। लास्ट जो जनरल टर्म हमारे पास क्या होती थी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जौन सी भी टर्म्स होती हैं उसमें से डिफरेंस ए कम होता है। ए फर्स्ट टर्म तो सब में ऐड होगा, 3 में 2d है, 4 में 3d है, nth में n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, कोई सीरीज भी ले लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी करेंगे इसकी, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं पहले। मान लीजिए मेरे पास एक 3 हो गया, फिर 7 हो गया, यहाँ पे फिर मैंने 11 ले लिया और 15 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट कहीं तक भी होगा ये, हमने सिर्फ ये सीरीज हमने ले ली है। AP है फर्स्ट टर्म जिसकी हम बात करें, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ए हमारा क्या हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास डी से डिनोट करते थे, 7 माइनस 3 वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एपी सीरीज की प्रॉपर्टी की, अगर हम सभी टर्म्स को, एपी की जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उनमें अगर हम एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दें, सेम अगर हम ऐड कर देते हैं, सपोज करो मैंने सब में 2 ऐड कर दिया, तो हमारे पास प्लस 2 कर रहा हूँ मैं सभी में, ये क्या बनेगी, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। क्या ये एपी बनेगी? यस, अगर हमने सभी में सेम ऐड किया है, दिस इज आल्सो एन एपी। प्रॉपर्टी बन गई, किसी भी एपी सीरीज में सभी टर्म्स में अगर हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो रिजल्टिंग जो एपी बनेगी, ये रिजल्टिंग एपी है हमारी, दैट इज आल्सो इन एपी सीरीज। अगर मान लीजिए मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 2 सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये 1 हो जाता, ये हमारा 5 हो जाता, ये हमारा 9 हो जाता और ये हमारा 13। सो जो रिजल्टिंग सिक्वेंस बनी है अब की बार भी, वो भी हमारे पास किस में आएगी, एपी में आएगी। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही करो, तो मैंने 2 किया, 2 ही माइनस, कुछ भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी 2, 3, 4, 5, माइनस 4, माइनस 3, कुछ भी। अगर मान लीजिए मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सपोज करो हम सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, ये 6 हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 14 हो गया, ये 22 हो गया, 30 हो गया, क्या ये एपी है? एपी इसमें प्लस 8, फिर प्लस 8, फिर प्लस 8, डिफरेंस सेम है, सो दैट मीन्स दिस इज आल्सो इन एपी सीरीज। अगर हम सबको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड अगर हम कर देते हैं, सपोज कीजिए मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये हमारे पास 3/2, या हम इसको कह सकते हैं 1.5, फिर 7/2 मीन्स 3.5, उसके बाद 11/2 मीन्स 5.5, उसके बाद 15/2 मीन्स 7.5 एंड सो ऑन। क्या ये एपी में आ रहा है? 2 ऐड हो रहा है हमारे पास, डिफरेंस 2 हो रहा है, सो दिस इज आल्सो इन एपी। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि अगर हम किसी भी एपी सीरीज की सभी टर्म्स को किसी कॉन्स्टेंट से ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, तो रिजल्टिंग जो सिक्वेंस आती हैं वो भी सारी की सारी केस में होती हैं, एपी सीरीज में होती है। ठीक है, तो हमने 10th में किया हुआ है ये चीज़ें। क्या जनरल टर्म की अगर हम बात करें, जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम इसमें। अगर हम SN निकालते थे, SN क्या होता था, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, क्या फार्मूला था, दो फार्मूले थे इसके, एक तो एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो ये लगा लीजिए, और अगर हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए एन भी हो सकता है, एल को हम ए एन अगर हम रिप्रेजेंट करें। ये हमने 10th में किया हुआ, ये भी यूज़ होंगे हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्थमेटिक मीन की।
अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अगर हमें कोई दो नंबर दिए हुए हैं, मान लीजिए 4 और 16 दिया हुआ मेरे को, क्या इनके बीच में कोई एक ऐसा नंबर है, ये रखने से ये हमारे पास क्या हो जाए, एपी सीरीज में बन जाए। अगर मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, 4, 10, 16, ध्यान दीजिए, 4, 10, 16 प्लस का 6 एंड प्लस का 6, तो एपी सीरीज बन रही है। कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, इनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन है, ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, हमने डी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, इनका जो कॉमन डिफरेंस आता है बी माइनस ए अपॉन टू, बी माइनस ए, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2 है, तो क्या बना यहाँ पे 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 अपॉन टू मीन्स 12 अपॉन 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6, डी की वैल्यू आ गई, डी हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारे पास एपी बन गई। अर्थमेटिक मीन, अगर दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन्स उनका एवरेज ए प्लस बी बाई टू भी कह सकते हैं, ए प्लस बी बाई टू, देखिए 4 प्लस 16 अपॉन 2, दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाई टू हो गया। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ और भी नंबर ऐड कर सकते हैं इसमें? क्या केवल हम अकेला 10 ही ऐड कर सकते, 10 ही पुट कर सकते हैं यहाँ पे 4 और 16 के बीच में? नहीं, अगर मैं 4 और 16 के बीच में 8 और 12 और 16 ऐसे कर दूँ, दो नंबर रख दिए मैंने, अब प्लस 4 हो गया, प्लस का 4 एंड प्लस का 4, ठीक है, तो हमने दो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए इनके बीच में। अब कितने अर्थमेटिक मीन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहें हम पुट कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है? मान लीजिए हमारे पास ए और बी के बीच में हमने nth मीन्स a1 a2 n हमने अर्थमेटिक मीन पुट कर दिए, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे हमें, क्योंकि एपी में बनाना है, तो मुझे क्या चाहिएगा, डी जो होगा बी माइनस ए, और इनमें कितना डिफरेंस बनता है, देखिए अगर मैं सिर्फ दो ही लेता हूँ तो उनमें 1 और 2, बीच में एक ही इंट्रोड्यूस किया तो 2 वैल्यू होंगी, अगर यहाँ तक हम दो इंट्रोड्यूस करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डिफरेंस हो जाता है, सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आप n पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगा, ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कोई भी अगर आपने निकालना है, मान लो फर्स्ट निकालना है, तो मेरा जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा वो a में d ऐड करना है, मतलब a प्लस का b माइनस a अपॉन n प्लस 1 d, यही निकलेगा। अगर मुझे 2 निकालना है तो a प्लस 2d, मतलब a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। अगर मुझे nth निकालना है तो an हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 1, 2, तो nth में n ही हो जाएगा, n इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा nth अर्थमेटिक मीन होगा। तो आप जितने मर्जी चाहे अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और रिजल्टिंग जो सीक्वेंस बनेगी हमारी वो किस में होगी, एपी सीरीज में होगी। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने जस्ट इसका जनरल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेना था, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करना था जो पिछले क्लासेज में हमने किया है। अब अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।